हे गाइस, वेलकम टू रानी ब्लॉग। तो आज मैं आप लोग के लिए सर्व करूंगी मसाला सैंडविच, जो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ है और देखने में भी अच्छी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सारे वेजिटेबल को हम इस तरह से एक साइज में काट लेंगे। तो इसके लिए ले लिए हैं उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर और खीरा। सारे को ऐसे राउंड शेप में हम चॉप कर लिए हैं। और उसके बाद क्या करना है कि एक प्लेट में कुछ उबले हुए आलू को स्मैश बॉल से स्मैश कर लेंगे और उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया के पत्ते और फिर उसमें डालेंगे सारे मसाले, जैसे नमक है, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, और उसे फिर धीरे धीरे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इसे हम मिलाने के बाद साइड कर लेते हैं। तो अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हमने कुछ ब्रेड ले लिए हैं और ब्रेड में हमने ग्रीन चटनी लगाएंगे, इस तरह से लगा लेंगे। और उसके बाद ऊपर से जो हमने मसाला रेडी करके रखा था उसे अच्छी तरह से इसमें हम फिलअप करके और ऊपर से एक ब्रेड लगा रखेंगे और उसके बाद ऊपर से भी एक ब्रेड और लगा लेंगे। और उसके ऊपर जो सारे वेजिटेबल हमने काट काट के रखा था एक साइज में उसे सरिया लेंगे और उसके ऊपर हम चीज भी महीन काट कर उस पर से डाल देंगे और ऊपर से एक ब्रेड और अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो इसी तरह से सारे ब्रेड को हम कर लेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो एक पैन चढ़ा लिए हैं और पैन गरम होते ही उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच घी और उसे गरम होते ही जो हमने ब्रेड फिलअप करके रखा था उस पर डाल के दोनों तरफ से अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे और फिर इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो हमारा मसाला सैंडविच बन के रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुआ है। और कमेंट में बताएं कैसा लगा आप लोग का आज का ये रेसिपी। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।